मांगे का 69,000 लड़के देख रहे हैं, 600 दिन से बैठे लाठी खा रहे बेचारे, लाते खाने लायक है सब। मांगे का 69,000 लड़के देख रहे हैं, 600 दिन से बैठे लाठी खा रहे बेचारे, लाते खाने लायक है सब। तो भाजपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने दिया विवादित बयान, 69,000 शिक्षक अभ्यर्थियों को बताया लात खाने वाला। सियासत गरमाई, सपा कांग्रेस ने बोला राजभर पर हमला। भड़के युवा, कहा वोट मांगने आना, राजभर के बच्चे भी हैं इसमें। भाजपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में आए दिन बने रहते हैं। एक बार फिर से ओम प्रकाश राजभर का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो को शेयर कर विपक्षी दलों के नेता उन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। वीडियो में सुभाषपा प्रमुख 69,000 शिक्षक अभ्यर्थियों के सवाल पर एक निजी पत्रकार को जवाब दे रहे हैं। उनका ये जवाब अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में जब उनसे पत्रकार ने पूछा कि आप देख रहे हैं कि 69,000 शिक्षक अभ्यर्थी 600 दिनों से बैठे हुए लाठी खा रहे हैं, तब इस सवाल पर जवाब देते हुए वीडियो में सुना जा सकता है कि सुभाषपा प्रमुख बोल रहे हैं वो लात खाने लायक हैं सब। उनके इस वीडियो वाले बयान पर अब सियासत गर्म हो गई है। सपा महासचिव शिवपाल यादव ने वीडियो शेयर कर लिखा, इतना असंवेदनशील व शर्मनाक बयान देने वालों से रोजगार देने की उम्मीद कैसे की जा सकती है। वहीं यूपी कांग्रेस ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाला वाले अभ्यर्थी लात ही खाने लायक है। ओपी राजभर, सुभाषपा अध्यक्ष, यूपी में भाजपा की सहयोगी दल, नोट, बोल रहे हैं पर शब्द भाजपा के हैं। दूसरी ओर ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरुण राजभर ने पिता के बयान का बचाव करते हुए लिखा कि आदरणीय चाचा जी शिवपाल यादव, आपका सम्मान हम करते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों को न्याय दिलाने के लिए सभी आंदोलन करने वाले नौजवानों के प्रतिनिधि मंडल को लेकर माननीय ओम प्रकाश राजभर एक दर्जन बार माननीय मुख्यमंत्री से मिले, जिसमें कोर्ट में चल रहे विवाद का समाधान का रास्ता निकालने के लिए कहा। वहीं इस वायरल हो रहे वीडियो पर लोग भी खूब कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। महिमा नाम की एक यूजर ने लिखा कि कितना घटिया बयान है, यह अब बेरोजगारों को सोचना चाहिए। वहीं बबलू मौर्या नाम के एक यूजर ने लिखा कि असल में यह खुद लात खाना चाहता है, लेकिन कोई इसे मार नहीं रहा है, चाचा जी आप ही शुरुआत करो। शाहनवाज सिद्दीकी ने राजभर के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि इस वीडियो को आप सब छात्र सुनिए, देश भर को शेयर कीजिए, और जब अगली बार आप और आपका परिवार वोट देने जाए तो इस वीडियो को एक बार फिर से सुनकर जाए। जब तक आप लोग अपने मत का सही प्रयोग नहीं करेंगे, तब तक अनपढ़ लोग पढ़े लिखों के भाग्य का फैसला करते रहेंगे। भारत के युवा को अब जागना होगा। फ्री के दाल चावल के चक्कर में रहोगे तो ऐसे ही हालात रहेंगे युवाओं के। नितेश शुक्ला गर्गवंशी नाम के एक यूजर ने लिखा कि ये राजभर नहीं, एनडीए और मोदी बोल रहे हैं, प्रदेश के योगी बोल रहे हैं। अभी भी वक्त है, युवा और छात्र अगर चाह ले तो ये सत्ता की गर्मी चंद दिनों में दूर हो जाएगी। वहीं परमवीर नाम के एक यूजर ने लिखा कि पियर का चाचा, बोलने से पहले थोड़ा सा कुछ आत्मचिंतन किया करिए, इस लिस्ट में राजभर के भी बच्चे हैं, इतना ध्यान रखिएगा। आप जो पूरे प्रदेश के राजभर बिरादरी का ठेका लेकर घूम रहे हैं, बस्ती में नहीं घूमने पाओगे, वोट मांग। इस खबर में इतना ही। वैसे ओम प्रकाश राजभर के इस बयान को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द पब्लिक एक्सप्रेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म।